वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है थेनोस के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल किंग द कॉन्करर कौन सा है जो लड़ेगा अवेंजर से अवेंजर किंग डायनेस्टी के अंदर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें किंग द कॉन्करर लोक की सीरीज के अंदर दिखाया गया था जो की सभी किंग के वेरियंटो में सबसे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन उसके मरने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है की उसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल किंग द कॉन्करर कौन सा है जो अवेंजर से किंग डायनेस्टी में लड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों मार्वल फैंस को पता है कि कॉमिक्स के अंदर किंग अलग अलग वेरिएंट है, और एक किंग तो हमें लोकी सीरीज की लास्ट में भी दिखाया गया था और उसको शायद लोकी के सीजन 2 में दिखाया जाए। लेकिन वही हमें एक और किंग देखने को मिलने वाला है जो कि मार्वल के फेज 5 की फर्स्ट मूवी होने वाली है, एंटमैन इन द शार्प क्वांटम मेनिया में जाए ये मूवी का मेन विलन होने वाला है जो एंटमैन की हालत बुरी कर देगा। लेकिन ये मेन विलन नहीं होने वाला है अवेंजर किंग डायनेस्टी का थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों हमें असली किंग द कॉन्करर अवेंजर किंग डायनेस्टी में देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।